किया है कि जहाँ है वही तो जाने, जहाँ है वही, जहाँ है वही तो जाने, जहाँ है वही, वही तकरीर है, बयां है वही, अपने दावों से अपने वादों से जो मुकर जाए हुक्मरान है वही। बात तो है कड़वी मगर है खरी, इसलिए आ रहे हैं वासी चौधरी। देखते हैं आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? फिर चौधरी लग रहे हैं। अरे वाह, कड़क चौधरी, कड़क चौधरी। जलेबी वाले नु जाके कह रहे ने के मेरे बाजू ते ना मेरी मंगेतर दा नाम लिख दे। जलेबी वाले नु चंडा मार रहे। मैं क्या भाजी की होया? कहंदे इहदी वजह तो मेरी सारी फैमिली नु शुगर होई। अद्धा घंटा हो गया मेरी जान खा के। कहिंदे सिद्धी बना के विखा जलेबी। चिमटा ना होंदा तुहाडे हाथ सड़ गए। आज के पहले मेहमान को पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एमएनए हैं चार सदस्य और पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं फॉर डिफेंस जनाब मलिक अनवर ताज। साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान कराची तशरीफ लाई हुई है एक्ट्रेस दानिया अनवर। वेलकम टू द शो जी। आज तो दोनों ही अनवर, अल्लाह खैर करे। एक बड़े प्यारा शेर लाए हैं जी आप दोनों के लिए। जी जी, दानिया अनवर और मलक अनवर इकट्ठे हो गए हैं, हो गए हैं दुनिया की स्क्रीन पर। अब देखिए होता है क्या, क्या? एक सियासतकार है और दूसरी फनकार है, दोनों को एक ही नजर से देखना दुश्वार है। माजी लगा हाल दे पिछे। माजी लगा हाल दे पिछे, क्या बात। माजी लगा हाल दे पिछे, छेड़ू जिस तरह माल दे पिछे। वेखो किस दी किस्मत बुरकी, वेखो किस दी किस्मत बुरकी, कान लगाए बाल दे पिछे। जिन्होंने वोट दिया है अब वो आहें भर लेते हैं, भर लेते हैं। जिनको डरना नहीं आता था अब वो डर लेते हैं। आपने गरीबों का जो हाल कर दिया है अनवर भाई, अगली बार जीतने की बातें अब फिर कैसे कर लेते हैं जी? अनवर साहब क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है। खैरियत से आप कोई जवाब देना चाहेंगे इनके शेरों का? बड़ी जबरदस्त शेर, लेकिन जो आखिर में जो जिसने शेर पढ़ी ना जी जी, तो इंशाल्लाह हम अपने परफॉर्मेंस की बेस पे ऐसा है कि जो हमारी गवर्नमेंट को बस चीज ऐसी मीडिया ने ऐसी हाईलाइट कर दी है, इतना हाइप क्रिएट कर दिया है एंटी गवर्नमेंट कि हर किसी के जहन में ये है कि पीटीआई की गवर्नमेंट या इमरान खान की गवर्नमेंट फेल हो रही है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अंदाज़ा कर ले, जब हमारी गवर्नमेंट आ रही थी 3,500 अरब टोटल हमारी रेवेन्यू थी, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह 6,000 अरब पे पहुंच रही है। इसके अलावा जो खान साहब ने कहा था, जो वादा उसने किया था कि इसको मैं 8,000 अरब पे ले जाऊंगा, जब ये 8,000 अरब पे एक दफ़ा चला गया तो समझो कि आपका मुल्क बिल्कुल उठ गया। फिर कोई कर्ज़ वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह हमारे जो रिजर्व थे वो 7 अरब डॉलर थे, अब वो 25 अरब डॉलर पे पहुंच गई। हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो 25% उसमें इजाफा हुआ और वो पहुंच गए 23 अरब डॉलर से 31 अरब डॉलर पे। हमारा जो इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ है वो 5.37% उसमें इजाफा हुआ जो जा रही है। और ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की, ये IMF की, ये मूडीज़ की, जितने भी फाइनेंस इदारे हैं उन सारों की ये रिपोर्ट है कि पीटीआई की गवर्नमेंट बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। जो करंट डेफिसिट था वो 19 अरब डॉलर था और वो 1 अरब डॉलर तक आ पहुंचा। और इसके अलावा 10 डैम बन रही है,
पहली दफा जनरल अयूब ने 3 डैम बनाए थे और उसके बाद 54 साल बाद पाकिस्तान में 10 डैम बनने जा रही है। सर ये काम हो रहा है सिर्फ बातें याद नहीं ग्राउंड पे हो रहा है। एक डैम उसमें मैं एक मिसाल देता हूँ मुमन डैम का जो मेरे इलाके में आता है। मुमन डैम जो मेरे ही गांव के नज़दीक है। मुमन डैम में उस दिन हम गए सारे पार्लियामेंटेरियन मेरे पास थे, पीटीआई के भी थे, पीपल्स पार्टी की भी थे, पीएमएलएनएट के भी थे। 2900 लेबर उसमें काम कर रही थी और फुल फ्लेज उस पर काम जारी था। इसी तरह दासू डैम पे, बाशा डैम पे, सुक्की किनारी डैम पे, तोरबेला उसमें भी एक्सटेंशन हो रही। तकरीबन ये डैम जब बन जाएगी 2027 तक तो आपके यूनिट 2 रुपये यूनिट पे 16,000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान। सर ये कितनी देर में ये डैम बन जाएगा तकरीबन? एक डैम 2024 तक कंप्लीट होगा, दूसरा 25 को कुछ 26-27 तक ये सारे 10 डैम इंशाल्लाह कंप्लीट होगी। वैसे आपने कहा कि मीडिया जो है वो गलत हाईलाइट कर देता है आपकी गवर्नमेंट की चीजें। मीडिया इस चीज को गलत हाईलाइट कर रही है कि आजकल जो महंगाई है, हमें इसका एहसास है कि महंगाई है, लेकिन आप खुद अंदाजा कर रहे हैं इसमें महंगाई है तो उधर भी वो मगर जिला। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप लोग ऑपोजिशन में थे 2017-2016 के अंदर, तब जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी उसके भी तो खिलाफ मीडिया जाता था और हुकूमत वक्त के वैसे ही एक क्रिटिसिज्म ज्यादा करता है मीडिया उस पर हमेशा, तो उस वक्त तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती थी? नहीं, एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होती है और एक क्रिटिसिज्म सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए करते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं, जो गलत चीजें हमसे होती है उस पर क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। मुझे कोई गलत चीज बताएं जो आप लोगों से हुई हो। गलती तो जरूर होती है, ऐसे नहीं कि हम परफेक्ट है, हर गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ गलतियां जरूर हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत ठीक जा रही है और आप देखेंगे इंशाल्लाह ये मुल्क इमरान खान के क़यादत में उठेगा। नहीं नहीं, मगर आपने गलती नहीं बताई सर। गलती इनसे नहीं हुई, गलती हमसे हुई है जो वोट दिए हमने। तुम तो टोटल गलती की बात कर दे, तो छोड़ो यार। दानी जी आपके क्या हाल हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि आज मैं मुज़ाकरात पे आई हूं। क्यों, ऐसा क्या? इट्स एन अचीवमेंट अनलॉक्ड फॉर मी। रियली? यस। ये आपने ऐसी लिस्ट बनाई हुई अचीवमेंट्स की? और हमने भी गेम्स होते हैं ना, वो एक अचीवमेंट अनलॉक कर रहे होते हैं तो उसमें। और हमने भी आज केक काटा कि आप आई हैं। हम बहुत खुश हैं आज। हम बहुत खुश हैं आप, मगर आपने शो देखा हुआ होगा। बिल्कुल, तो आपको अंदाजा तो है। ठीक है, आप बड़े गौर से सुन रही थी उनकी बातें, मैं देख रहा था। मैं बड़ी डबल कंफ्यूजन में चल रही थी। मुझे एक तो अपनी मैं एक्साइटमेंट कंटेन कर रही थी और वो जिस तरह की ड्राई बातें कर रही थी, तो मैं सोच रही थी मेरी बारी कब आएगी और मैं कब बताऊंगी कि मैं एक्साइटेड हूं। अच्छा हो गया, वो तो हो गया, वो तो होता ही रहता है। तो आपकी एक्साइटमेंट के ऊपर ब्लड ड्राई कर रहे थे? वो भी डैम से। वो भी डैम से ब्लड ड्राई कर रहे थे एक्साइटमेंट को सारी। मगर किस चीज की एक्साइटमेंट आपको इतनी? आई मीन कम ऑन, सभी देखते हैं मजाक रात और भी खबरें देख रहे होते हैं सारी की सारी। हाँ, लेकिन देखिए मैं ना अभी उस तरह की एक्टर नहीं रही हूं कि सबने मुझे देख ही लिया हो। यहाँ आके ना आप काफी लोग और देख लेंगे। मुझे पता क्यों एक्साइटमेंट थी। क्यों? इन्होंने मुझे देखना था ना। क्यों? कराची के चिड़ियाघर में मैं नहीं हूं ना। बल्कि कहने लगा था कि आज क्या कोई ऐसी बात है कि आप भी ब्लैक पहन कर आए हैं खास, और उन्होंने तो ब्लैक पहना ही हुआ है, तो मैं समझा कि शायद ताला साहब ने कहा ना आज काली जर्सी पा किसे दी फरमाइश थे। तो ये आपको क्या पता था कि वो आज काले जोड़े में आ रही हैं? मैं इनका फैन हूं ना, इसलिए मुझे पता है इनको काला रंग बहुत पसंद है। वैसे सारों ने काले जोड़े पहने। नहीं नहीं सर, नहीं आप तो नहीं हैं, आप तो ग्रे में। नहीं नहीं, उन्होंने कपड़े वेख के अपने भी काले ना कर लो। वैसे आप ये बताइए कि आपको कैसे शौक हुआ है एक्टिंग का, बचपन से? हाँ, एक तरह से बिकॉज मेरी फैमिली में आई थिंक आर्ट्स हमेशा से ही था। अच्छा, मैं उस फैमिली से थी शायद जहाँ पर वो होता है ना, सब तो डॉक्टर लॉयर इंजीनियर बन गए। थी नहीं आप, होंगी अभी उसी फैमिली से। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ। अब बड़ी हो गई ना, बचपन वाली बात बता रही हूँ कि देट बी लाइक यू नो, हाँ भाई हर कोई तो इंजीनियर डॉक्टर बनते, यू डू व्हाट यू गुड एट आर्ट्स, डू आर्ट्स, तुम ड्रॉइंग में अच्छी हो, पेंटिंग में अच्छी हो, सिंगिंग। अम्मी का शौक था कि सिंगिंग रॉक स्टार बन जाऊँ, तो वो अम्मी ने कोशिश की सिखाने की मुझे, पर वो बताए गाना गाना बहुत मेहनत का काम है, बहुत ज्यादा। तो 10 साल से गा रहा है, से गाया नहीं जा रहा। तो मैंने कहा नहीं, इतनी तो नहीं होगी, ड्रामेबाज पक्की हूँ, ये कर लेते। अच्छा, तो ये आपको बचपन से ही ड्रामेबाजी का शौक था? तो भी नहीं था, पता ही नहीं लगा, हो गया। तो उसके बाद अब आपको इजी लगता है जब आप ड्रामा में आई? बीच में लगने लगा था, तो आई टुक अ ब्रेक, देन आई सेड कि नहीं मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जहाँ पर मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी कुछ करूँ अलग से। सो आई टुक अ ब्रेक, आई केम बैक, और अभी वन ऑफ माई ड्रामाज जो चल रहा है बदनसीब, उसमें दे नीडेड समबडी जो कि 25 साल की उम्र से 45 साल की उम्र तक का रोल करे। एंड पहले उन्हें लगा वो दो अलग एक्टर्स लेंगे, एंड देन जब ले भी लिया तो इवन राइटर की भी मुझे कॉल आई, उन्होंने खुद कहा कि हमें लग रहा था तुम नहीं कर पाओगी, बट देन यू डिड दिस एंड वेरी 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 प्राउड ऑफ यू।
So I think yeah, that is something I did. लेकिन आपने वो रोल किया तो क्या वो ये जाती है मोहल्ले में सब कह रहे वो बदनसीब जा रही है। अच्छा आपने मैंने बालाजी से पूछा इनकी वालद से, मैंने कहा इनकी शादी क्यों नहीं हो रही, वो सब कहते बदनसीब से शादी कोई नहीं करेगा। आपने देखा वो ड्रामा? अब देखूंगा मैं। बिल्कुल। अब देखेंगे। दे जी तो क्योंकि तुझे मैंने कहानी पूछनी सी तो मैं देख गया। आपको सियासत का शौक कैसे हुआ? हमारे इलाके में जो महरूमी थी ना, ठीक है, वो पॉलिटिक्स के बगैर वो महरूमी खत्म नहीं हो सकती। अच्छा, तो मैं उसी वजह से सियासत में था। हालांकि स्टूडेंट लाइफ में मुझे सियासत से बिल्कुल शौक नहीं था, सियासी लोग मुझे बहुत बुरे लगते थे, लेकिन स्टूडेंट लाइफ से जब मैं फारिग हुआ और अपने इलाके के जो मसाइल थे, जहाँ पे बिजली का मसला था, गैस का इशू था, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इन चीज़ों का, जब एक के पास जाता था तो कोई उसका हल नहीं, दूसरे के पास डिपार्टमेंट नहीं करता, तो मैंने फिर उसके बाद इरादा कर लिया कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एज ए वर्कर मैंने पीटीआई 2008 से स्टार्ट ले ली और 2018 के बाद मैं आपके सर सियासत में नफरत करते थे, फिर उन्होंने कारोबार किया उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा था, फिर किसी दोस्त ने कहा कि सियासत से बड़े पैसे ने, फिर कारोबार में फायदा हो रहा था, कारोबार में फायदा हुआ। लेकिन वैसे जब चल भी रहा था कारोबार, तो जब आपने फैसला किया कि मैं अब सियासत में आऊंगा, तो खानदान वालों ने कुछ कहा नहीं, कह रहे क्या करने लगे? खानदान वालों ने पहले रोका। अच्छा, रोका कुछ? वालिद साहब ने भी कहा कि सियासत में ना आए, अपना कारोबार और अपने बिजनेस में रहे। लेकिन हालात ऐसे थे, जो मेरे दोस्त थे क्लास फेलो थे, वो भी सारी मेरी पीछे लगी हुई थी कि आप अगर इस इलाके में सियासत में आ जाए, आपके फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है कि वो बेसिकली मैं तो मुमन से माइग्रेट हुआ हूँ, मेरे वालिद साहब ट्राइबल एल्डर है उधर, तो वहाँ से माइग्रेट हो के हमारी पूरी ट्राइब है अपने उस हलके में NA 23 4 सद्दा में, तो अगर आप इसमें आ जाए और हमारे साथ शामिल हो जाए तो इससे एक तो पीटीआई को इम्प्रूवमेंट मिलेगी और आपके आने से हमारी पार्टी इधर तरक्की भी करेगी और आप अपना रोल भी प्ले करेंगे। सर गरीब बंदे के पल्ले से खाना खा रहे, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, कहते मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ। अपने सब यार काम कर रहे हैं और हम बस आराम कर रहे हैं, दुनिया पहुंची मुरीख पर और हम यूपीएस को सलाम कर रहे हैं, ओपोजिशन भी क्या करे उनका, वो जो खुद को नाकाम कर रहे हैं, हाय हाय आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। दानिया ये बताएं, आपने कहा कि आपको तो शौक था और उसके बाद ये आपका आया, हैज इट बीन इजी दिस फील्ड? नहीं, मिला जुला था शुरू में, जब आई तो मुझे लगा नहीं, लोग तो ऐसे ही कहते हैं मुश्किल है, क्या मुश्किल है। अच्छा, तो मुश्किलें वेट कर रही थी। तो दानिया जैसे आप सबको प्यारी लगती हैं, इतनी प्यारी हैं, आप सबका हुस्न नजर है माशाल्लाह, आपको भी कभी कोई प्यारा लगा है? मुझे आप सब लोग बहुत प्यारे लगते हैं, आप लोगों के इन सबको छोड़े ना, ये तो शादी शुदा है। मैं अपनी नहीं बात कर रहा, वैसे आपको कोई प्यारा लगता हो बहुत ज्यादा? बहुत सारे लोग लगते हैं, इतनी सारी लिस्ट कैसे बताऊंगी मैं आपको। मैं वो प्यारा नहीं पूछ रहा, जो एक दिल को प्यारा लगता है, तो जैसे कि ये मेरे दिल में है, मेरी जिंदगी में भी हो, सारी जिंदगी में साथ हूँ, वो सामने बैठा हो, गला खराब हो, मसलन इस तरह का, वो कैसे है, कहाँ है, प्यारे हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र, सब अच्छे हैं, सब प्यारे हैं, बच्चे है? खावन सब अच्छे हैं। मेरा सलाम कहना जी बिल्कुल। बच्चों को कहना मामू कैसर कहते ही मैं खिलौने लेके आऊँ। उसकी भी शादी हुई थी। अच्छा, वैसे मैंने तो फोर्थ ईयर में था जब मेरी शादी हुई, ठीक ठीक, उसके बाद मैंने लाइक लव मैरिज की अरेंज मैरिज, बस अरेंज मैरिज थी बस। आप उनकी अगली लाइन सुनिए, वो कह रहे जो भी था ठीक था, बस गया ना बेच थोड़ा। नहीं नहीं, मगर वो उन्होंने बताया कि उनकी हो चुकी है और बहुत पहले की हुई है। अरेंज मैरिज अच्छी रहती है या सर लव मैरिज, ये तो बताएं, क्योंकि मेरी हुई नहीं है ना। तो मेरे तो अरेंज हुए, मुझे तो अरेंज ही अच्छी लगती है उनके हिसाब से, तो अरेंज ही होनी चाहिए, मुझे तो लव का कोई पता नहीं जी। अच्छा जी, उनको लव का कोई पता नहीं, वो वाला ट्रेन मिस हो गई। जो वाली देन आपके लिए जो फैसला कर लेती है ना, उसमें खैर होती है। बिल्कुल, सुनो मगर जिस तरह मलिक साहब ने बताया कि ऐसे ही होनी चाहिए और वो माशाल्लाह खुश हैं अपने फैसले से जो कि किया गया था, आप भी इसी को स्कूल ऑफ थॉट को सेकंड करती हैं या नहीं? यस, आई फील कि मैरिज जो है ना, शादी शादी होती है, उसका बैकग्राउंड क्या था, लव अरेंज, वो पीछे रह जाता है, शादी शादी होती है। ये मतलब प्लीज एलैबोरेट करें इसको। आई थिंक वो एक बैकग्राउंड है, ये सोचना मैरिज अरेंज ज्यादा बेहतर है या ज्यादा फेवरेबल रहती है या लव मैरिज, आई थिंक वो मुझे ये डिबेट कभी समझ में नहीं आई, बिकॉज वंस यू आर मैरिड तो वो
आपको उस वक्त ही पता लगता है कि दो लोगों की निभेगी या नहीं निभेगी। लेकिन इस लाइन से खुश है जी? शादी वो कह रही है, चाहे लव हो, चाहे अरेंज हो, चाहे फाइटिंग हो, कोई भी हो, बस आप कर लें। उसके बाद जो आपके साथ होगी वो आपको पता चलेगा, उसके बाद ये दिन याद करेंगे आप। अच्छा, ऐसा होता है क्या? आई थिंक फॉर मोस्ट मेन, फॉर मोस्ट मेन, नॉट फॉर वुमेन। ऐसा क्यों? सिर्फ मर्दों को क्यों एहसास होता है? क्योंकि उनका आई थिंक वो, अच्छा यानी कि आप ये बात मानती हैं कि गुजर मर्दों पे ही रही होती है? जो हमारा एक वो कल्चरल वो है ना, उसमें पता होता है हाँ भाई जी रोटी पकानी है, हांडी पकानी है, खाना, वो एक होता है। तो अच्छा घर मिल जाए तो बंदा कहता है याशी ये सब तो करना ही नहीं पड़ा। अच्छा। लेकिन मर्द जो है उनको लग रहा होता है कि जी सब कुछ बड़ा ईजी होगा, हाँ भाई शादी हो जाएगी, घर आएंगे तो कपड़े स्त्री हुए मिलेंगे, रोटी गर्म गर्म मिलेगी, वहां पर वो कुछ होता ही नहीं, बेचारों को खुद करना पड़ता है फिर सारा। अच्छा, तो आपके हस्बैंड भी यही महसूस करते हैं? आई थिंक आपको भी सही बातें लग रही है सारी। मैं उस इतफाक नहीं करता जी, नहीं आप हमारे यहाँ ये ट्रेंड बिल्कुल नहीं है। गर्म रोटी भी मिलती है, गर्म चाय भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। देखिए अब साथ ही उन्होंने एक बिल्कुल आपको और व्यू दे दिया। आपकी जो यू हैव बिग आईज माशाल्लाह, तो आपको काफी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे इस पे? मैं कॉम्प्लीमेंट्स लेने में अच्छी हूँ नहीं, तो जब कोई मेरी तारीफ करते है तो मैं फौरन ही हो जाती हूँ। बाय नेचर थोड़ी इंट्रोवर्टेड हूँ, तो मेरा मिलना जुलना थोड़ा कम होता है लोगों से, तो ज्यादा मैं अपनी फैमिली से ही मिलती हूँ। वो बचपन से देख देख के थक गए तो ज्यादा तारीफ नहीं करते। मेरी आईज बिग है, लेकिन मुझे मेरे फ्रेंड्स या इगुआना कह रहे होते हैं या मुझे डड्डू कह रहे होते हैं। एक आपको बात बताऊं, आप नहीं आई हैं, आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर टू यू कि अगर ऐसी बातें दोस्त करते हैं तो शो पे नहीं बताते। Good, how are you? You know, I'm really very happy today. Achha. Couple of weeks ago, my mama called me from United States. Achha. She said, "Ache, Pakistani truck art jaraga bara address ho rahi hai." Yes. Ache, ache shoes on de utte log design bina bina ke dollars ji kamai kar rahe ne. Yes. So I went to the master of truck art. Okay. Oh ji, main shagirdi mukhtiyar kar li. Mukhtiyar kar li hai. Yes, main ohde kol 9 din kam kita hai. Theek hai. Bara main kam sikhya hai. Acha. Main 10 12 dinner set banaye ne. Aha. Ohde utte main bara suna art kita hai. Mashallah. Jinne vi vekhe ohne ke wow, you can make a lot of money. Oh. Yes. Oh main ohne mama nu cargo karne ne. ठीक है। यस बच्चों के लिए 8,000 लगेगा। ओए होए। 8,000 पे तेरा लगना है। वो चे जा के पहुंच के फिर जी मार खींचनी होएगी। ते 8 करोड़ रुपया कमाने। सीधा 8 करोड़ ही। यस डॉलर दे विच ना डॉलर बड़ा महंगा हो गया। यस। इतने सी रुपया जो माल भेजना उतो डॉलर आने ने। ओए होए। ओदे विचों 75% तोडे 25% मेरे। अरे मुझे इतने क्यों दे रहे हो? 8,000 तुसी देने ने ना। मैं कुछ नहीं दे रहा। So you have to pay 8,000 and you can make a lot of money Mercedes and Nami। मुझे अच्छा, नहीं चाहिए। 8,000 किन्ना को मंगन दिया? उनको 1,500 होता अपने मोबाइल नो ग्लास पुआ लें दे। This is a Chaudhary, I know इन्हें ये बढ़िया ज़मीना ने। अच्छा? नहीं नहीं पहले की बातें थी। नहीं तो सारियां ज़मीना वेज के मास्क ले ले। Could you please give me 8,000? मेरा कारोबार चल जाएगा तो अनु ही फायदा है। I don't know, आप try कर लें। I don't sir। केरे यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं? यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते, MNA है। बड़ी लोकां वास्ते एहसास प्रोग्राम बना रही है। जी जी। तुसी 8,000 देना है, तुसी 8 करोड़ दे होने हैं। अच्छा। वो देखो उन्होंने हाथ पा भी लिया। इमरान मेरी जान ओ बन गया नवा पाकिस्तान, ओ बन गया नवा, आई लव पाकिस्तान, आई लव इमरान खान, आई लव शाह महमूद कुरैशी, मलक अनवर साहब आई लव यू। तुहाडी हुकूमत बाकी रहेगी 1.5 साल। अच्छा। ते 150 करोड़ दुआवां मेरियां नाल ने, तुहाडे अगले 5 साल भी तुहाडे ने, तुसी नहीं साडी जान छड्डी। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। दानिया ये बताएं, वोट वगैरह कास्ट करती हैं? अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं और कोई नाराज ना हो? अरे आप खुल के दीजिए, यही तो कमाल है यहाँ के, आप खुल के व्यूज दें। सैडली ग्लोबली ओवरऑल पॉलिटिक्स जो है ना एक डर्टी गेम बन गई है। गेम बन गई है लगता है, इसको अच्छे लोग
चलाते चलाते वो भी बेचारे निकल जाते हैं और इसको डर्टी गेम डर्टी लोग ही खेल सकते हैं. दिस इज जस्ट व्हाट आई फील. अच्छा, एंड यू टॉक अबाउट वर्ल्ड पॉलिटिक्स. या ग्लोबली, आई टॉक अबाउट ग्लोबली एंड लोकली. ग्लोबली आपको लगता है कि सियासत जो है वो बिल्कुल एक डर्टी पॉलिटिक्स एंड इट्स अ डर्टी गेम. और उसको मुझे ऐसा लगता है कि बड़े तेज होशियार और नेगेटिव किस्म के लोग ही. लेकिन आपकी बातों से लग रहा कि आप नून लीग को सपोर्ट करती हैं. नहीं, मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करती. मैं ह्यूमैनिटी. मुझे शेर की तरह क्यों देख रही हैं? सियासत इस तरह है कि डर्टी लोग है तो फिर उसको शरीफ लोगों के में आना चाहिए पीटीआई. मुझे ऐसा लगता है कि शरीफ लोग जो है वो कोशिश पूरी कर सकते हैं, बट आई डोंट नो, इट्स जस्ट टू डर्टी अ गेम, दैट्स व्हाट आई फील. तो ये चेंज कैसे होगी दानिया? ये तो अच्छा, ये अक्सर लोग कहते हैं ना जी, वो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था, अब क्या हो गया, ये कहा था, ये क्या हो गया. बात ये है कि सारी बात जो है सिर्फ खान साहब की नहीं है. फर्स्टली गवर्नमेंट में भी देन देयर आर मिनिस्टर्स हु आर सपोज्ड टू बी आंसरेबल. और गवर्नमेंट को छोड़ दें, हम एज अ नेशन ना एक एक बंदा आंसरेबल है. हम अपना कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना उसको पूरा नहीं करते. पार्किंग हम ठीक नहीं करते, कचरा हम सही से नहीं फेंकते, हम एक दूसरे को अपने से पहले गुजरने की जगह नहीं देते, दो मिनट का हमारे अंदर पेशेंस नहीं है. So it's a huge change. और अभी one of the things that PTI ने अच्छी की है वो स्कूल करिकुलम में माशरती उलूम का इंक्लूजन कराया है. वो अच्छा है क्योंकि माशरती उलूम जो है वो वाकई हमारे यहाँ वो इल्म है ही नहीं. अब नहीं हो रहा, ये पिछले कुछ सालों से नहीं हो रहा काफी ज़्यादा. तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि इन लोगों ने उसको करिकुलम में इंक्लूड किया. और उसमें इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि लेके मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ यार ये छोटी हमें लग रही है पर अब बहुत बड़ी बात है. लोगों को नहीं पता, ये सिविक सेंस नहीं है लोगों के अंदर, बेसिक एथिक्स नहीं है लोगों के अंदर, वो एक है. सो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को अपना काम करने दें और हम एज ए नेशन हमें थोड़ी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए. बिल्कुल सही का, सिविक सेंस की जो है कमी है. इसकी बात को थोड़ा समय और इसमें ऐड कर लो कि एजुकेशन हमारे यहाँ जो हमारे मुल्क में था वो बिल्कुल थ्री टियर में चल रहा था. एक इलीट क्लास के लिए इंग्लिश मीडियम, एक मिडिल क्लास के लिए उर्दू मीडियम, एक मदरसों में तालीम दी जाती है. इलीट क्लास के इस वक्त पाकिस्तान में 8 लाख बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं. जो मिडिल क्लास के हैं उसमें जो उर्दू मीडियम है उसमें 3.5 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं. जो मदरसों में है उसमें टोटल 25 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं. इनमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. बिल्कुल मिडिल क्लास वाले आगे नहीं आ सकते, इलीट क्लास वाले हमेशा उधर ही रहेंगे. तो इसको ख़त्म करने के लिए जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बना दी गई है और उसमें ये सारी चीज़ें आती है, उसमें एजुकेशन, हेल्थ, इसके अलावा इंटरनेशनल पॉलिसीज, नेशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, मुख्तलिफ एक अम्ब्रेला के तहत सारे डॉक्यूमेंटेड वो चीज़ बना दी गई. तो पहले फेज़ में 5वीं तक ये सारी इक्वल कर दी जाएगी, सेकेंड फेज़ में फिर 10वीं तक कर दी जाएगी और थर्ड फेज़ में फिर हायर एजुकेशन. तो ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक ऐसा इनकलाब है जिससे हमारे जो महरूमी होती है लोअर तबके में वो खत्म हो जाएगी. जी आई होप कि ये प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो सके और हम इसका जो हल है वो भी देख सके. जी जी रुकमा, आप एक ड्रामा में एक चबी लड़की का करेक्टर कर रही थी, तो उसके लिए आपने वेट गेन किया था? नहीं, ये ओए मोटी एक टेली सीरीज है, उसका पूछ रही है. उसके अंदर हर एपिसोड एक डिफरेंट बॉडी शेमिंग के ऊपर होती है. जी जी. तो वो तो मैंने प्रोड्यूसर को कॉल की थी, एक्सक्यूज मी मुझे ना ये करना है, ये कैरेक्टर मुझे बनाना है. So then I made that whole get up. होते हैं आप कभी कभी देखते हैं कुछ एक्टर्स को, तो यू नो हाउ सर मार्लन ब्रांडो उन्होंने यहाँ पर मार्बल्स रखे थे जब वो गॉडफादर. तो मेरा मार्लन ब्रांडो मोमेंट था अपनी छोटी सी इंडस्ट्री में, क्योंकि मैंने यहाँ कॉटन बॉल्स रखी थी टू मेक माई सेल्फ फैट और वो पूरा वो मैंने क्रिएट किया था. सही. तो मुझे काफी लोगों की कॉल्स आई भी थी, क्या किया तुमने अपने साथ? तो I was like, no, no, that's मैं तो रोता रहा हूँ, मैंने समझा आप बीमार हो गई. I'm sure आपने प्रोस्थेटिक्स को यूज़ किया और उसके जरिए. No, it was just cotton, बाकी सारा वो था. I kept my chin like this throughout, you know, because बाकी कपड़े शायद खुले पहने. उस साल गर्मियों का मौसम था, मैंने मोटे मोटे बहुत सारे स्वेटर्स भी पहने थे अंदर. जो उन्होंने बॉडी सूट प्रोवाइड किया था वो थोड़ा सा बॉडी से ऑफ था, उसके मसल्स बड़े बड़े बने हुए थे, इस तरह से नहीं होता. इन्होंने तो इतने कपड़े पहन लिए थे लोग इनको अलमारी अलमारी कहना लग शुरू हो गई. सारी छत वेख रहे कोई नहीं, पिछे लॉन दे विच फिर रहे सन खान साहब. हां जी, शूज साइड दे उत्ते रख के ते ऐं करके लाओस दे विच पैर मार रहे सन, ते बिल्कुल खामोश है. मैं कहा सर गैर ते है, बड़े खामोश है.
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਅਕਬਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਛੱਡਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੇਲੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਏ, ਫੌਰਨ ਬਤਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਹੋ, ਉਨਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਬੰਦਾ ਸਪੀਡ ਮੈਨ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਲੇਰ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫੈਜ਼ ਹਸਨ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਫਿਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨੀ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤੇ 6 ਸਿਮਾਂ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈਨਲ ਹੈ, 5 ਸਿਮਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਮ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਸਾਰਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੋਚ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਬਤਾਓ ਜੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਣਤਾ ਹੋ, ਜਿਸਕੇ ਪਾਸ ਏਕ ਏਕ ਸਬੂਤ ਹੋ, ਵੋ ਬੰਦਾ ਲਗਾਏਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫਿਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਪਤਾ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫੌਰਨ ਨਿਕਲ ਜਾ ਫਿਰ। ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਕੌਫੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਲਕ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ। ਨਾ ਕਰੇ ਯਾਰ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ। ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁਆਇਟ ਵੈਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਏ ਨੇ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਮ ਐਨ ਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜੇ ਨੇ, ਥਾ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੁੱਡ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸ਼ਰਾਫਤ। ਰੋਟੀ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈਣੀ ਪੜੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਰੋਟੀ ਹੋਤੀ ਵੀ ਬੜੀ 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 ਰੋਟੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਾਲਤੂ ਲੜਕੀ, ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਥਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਤੁਰਕੀ ਚੋਂ ਆਈ। ਤੁਰਕੀ ਚੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਾਨੀਆ ਸਾਹਿਬਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਨਕਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਆਏ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਟਾਪੋ ਟਾਪ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ 1 ਪਿਕਚਰ ਪਲੀਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ। ਮੈਮ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ। ਥਾਣੇ ਚ ਇਸਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ 3-4 ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕੈਦੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਧੋਤੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। वेलकम बैक जी। रुकमा, खबर क्या है जी? खबर इंडिया से बंदरों के बारे में है। अरे थोड़ी खबर आ गई। जी जी, ऐसे बंदर जो इंसानों की जेब कतरते हैं और इसमें से पैसे और वॉलेट निकाल कर ये जा वो जा, इनकी रिपोर्ट दर्ज करवाई एक लॉयर ने, जिनका कहना है कि वो एक मर्तबा एक शख्स के साथ रिक्शा में ट्रैवल कर रहे थे, जिन्होंने 2 बंदरों को उसके साथ बिठा दिया और उन बंदरों ने बड़ी सफाई से इनके वॉलेट और बैग में से 6,000 रुपये निकाल दिए। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए एक स्पेशल टीम फॉर्म की, जिन्होंने बिलाखिर 2 अफराद को बंदरों समेत बस स्टॉप पर गिरफ्तार कर ही लिया और बंदरों को जानवरों की पनागा मुंतकिल कर दिया। चलो जी, मानते हैं कि प्रैक्टिस कर ली बंदरों ने, पैसे निकाल लिए, लेकिन बंदर पैसे गिनते कैसे होंगे? बंदर जिथे 6,000 कढ सकते, 2,000 बंदा नहीं रख सकते। मेरे लविना मैं दस
हमारा एक सेगमेंट है अवाम का सवाल, हम उनको मौका देते हैं कि आपसे कोई सवाल पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं, तो कौन आप में से पहले पूछना चाहेगा? जी मेरा नाम अरहम है, मेरा सवाल अनवर साहब से है कि क्या इतने अरबों डॉलर्स के कर्जे के साथ भी मुल्क मौशी तौर पे मजबूत हो सकता है? इतने अरबों रुपए के कर्जों के साथ मुल्क की मईशत मजबूत कैसे हो सकती है? बिल्कुल आपने सही पूछा, 3 साल हमारी गुजर गई और अब 4th साल जारी है। उस 3 साल में हमने वापस करने थे पर ईयर तकरीबन 2500 अरब, ये वापस करने थे जो पिछली गवर्नमेंटों ने जो कर्जी लिए थे या उसकी सूद वगैरह उसको वापस करने थे। मसला ये था कि हमारी रेवेन्यू टोटल थी 3500 अरब, 2500 अरब हमने NFC अवार्ड के मद में सूबों को देने थे फेडरल गवर्नमेंट ने, 1500 अरब तकरीबन हमारे डिफेंस का वो खर्चा है, 550 अरब हमारा जो मुल्क चलाने के लिए तनख्वाह पेंशन वगैरह इसका खर्चा है, ये टोटल बनते हैं तकरीबन इकट्ठा करके 5000 अरब। और इसके अलावा अपने डेवलपमेंट के लिए भी कुछ रखना पड़ता है तो उससे वो 1000 अरब या 800-900 अरब उसके लिए भी रखना पड़ता है, तो ये 6-7000 अरब तक ये पहुंच जाता है। और आपने कर्ज भी 2500 अरब वापस करने हैं तो इसके लिए तो मुश्किल आएगी, तो यही एक वजह है कि हमने टोटल जो लिए है 3 सालों में 38 अरब डॉलर हमने कर्ज ली है, जो इनके किस्तें थे उसके लिए कर्ज हमने ले लिया और उसमें 29 अरब डॉलर PTI गवर्नमेंट ने वापस कर दी। इस कर्ज से कब जान छूटेगी? जो खान साहब कर रहे हैं कि 3500 से 6000 अरब पे वो रेवेन्यू हमारी पहुंच गई, इंशाल्लाह इस साल वो क्रॉस कर जाएगी और उसका टारगेट है कि एंड ऑफ द टेन्योर इसको इंशाल्लाह 8000 अरब तक ले जाएगी। जब हमारी रेवेन्यू एक दफ़ा 8000 अरब तक पहुँच जाए तो बैरूनी जो कर्ज है वो भी ख़त्म हो जाएगी, डेवलपमेंट भी साथ होगी और हमारा मुल्क भी इंशाल्लाह फिर उठेगा। इतना लंबा तो सवाल किया ही नहीं उन्होंने, जेड़ा तुसी जवाब तो देता है ऐसे ही देना पड़ता है, आपकी तरह नहीं कि जवाब ही दे दें। बच्चे ने सवाल बहुत अच्छा किया माशाल्लाह, इस तरह के बच्चे सारा साल पढ़ाई करते रहते हैं, जो पेपर होता तो छुट्टी कर लेंगे। जी अगला सवाल। मेरा नाम आमना है और मेरा क्वेश्चन अनवर साहिब से है कि आपके मुताबिक ऐसे कौन से बड़े मंसूबे हैं जो PTI हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत में बनाए, जैसे कि नोलिंग ने मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन वगैरह बनाए हैं? PTI गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो हेल्थ में सबसे बड़ा इशू था, जो गरीब लोग होते हैं उसके घर में जब बड़ी सर्जरी आ जाती है, जैसे हार्ट ऑपरेशन या किडनी का सर्जरी या कोई इस तरह मेजर सर्जरी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी उस खानदान के लिए होती है क्योंकि वो एफोर्ड नहीं कर सकते और उसका वो बच्चा या उसका भाई या उसकी बहन या उसकी माँ अपने आंखों के सामने उसे मरता हुआ देखता है। PTI ने जो सबसे बड़ी काम किए हेल्थ कार्ड पूरे पंजाब में और पूरी KPK में यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड, आपके ID कार्ड पे 10,20,000 रुपये का इलाज हो सकता है। दूसरा जो PTI कर रहा है 10 डैम, जो मैंने पहले भी ये जिक्र किया कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो पानी की शॉर्टेज आ रही थी मुस्तकबिल में, तो पानी को स्टोर करने के लिए और इसके अलावा जो सस्ती बिजली जिससे हमारी इंडस्ट्री भी चल सकती है, जो लोगों को सहूलत भी मिल सकती है, जिससे हमारी इकानमी भी इम्प्रूव हो सकती है सस्ती बिजली, तो उसके लिए 10 डैमों पे एक साथ काम जारी है जो 2027 तक इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगी, तो ये भी PTI का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसके अलावा जो मैंने अभी बताया कि इकानमी में जो PTI कर रही है, इकानमी पहली दफ़ा हमारे सही ट्रैक पे PTI के गोंड में चली गई। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नाम राहिम है, मेरा सवाल मिस दानिया से है कि बीइंग एन एक्ट्रेस आप फैंस के साथ मिलती होंगी तो कोई फनी या वेट फैन मूवमेंट आपको कोई हुआ हो? माशाल्लाह सेहत देखो एडा मतलब सवाल बनता नहीं सी तुम्हारा। इस तरह के बंदे ना कोट खा के शर्मिंदा नहीं हो रहे, बाद चो कह रहे जो होना था हो गया, पिज्जा मंगवा यार इतना जबरदस्त उनका हेयर स्टाइल है। जी दानिया जी कोई आपका ऐसा मोमेंट? सबसे मजे की बात है आपको ये बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा जो फैंस के साथ मजा आता है ना जब मैं लाहौर ट्रैवल करती हूँ, आई थिंक यहाँ के लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, बाकी लोग भी हर जगह आई थिंक इस्लामाबाद और कराची में वो देख रहे होते हैं इस तरह से, बट लाहौर के लोग ना वो आके एक्नॉलेज करते हैं अप्रिशिएट करते हैं। तो आई थिंक इट वॉज जस्ट टू माई सेकेंड थर्ड ड्रामा और मैं दो ही ड्रामे में रिलीज हुए होंगे, तो मैं एक थर्ड शूट के लिए यहाँ आई हुई थी और मैं एक मॉल में थी और वहाँ मेरी इस तरह की आदत है, मैं फ़नी हरकतें कर रही थी तो मुझे मेरे घर वालों ने कहा भी इस तरह की हरकतें करो कोई पहचान लेगा, क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में, मुझे किसने पहचानना है। ये करते कराते मैं सारे वो हरकतें करते हुए जब काउंटर पे गई वहाँ पे सारे आ गए, मैम आपके साथ सेल्फी, तो दैट्स वेयर माय फैमिली आल्सो सेड, तो उन्होंने कहा हाँ मैम हमने देख लिया बिल्कुल हमारे जैसे हैं। वैसे ये क्या हरकतें होती है जो आप करती हैं ऐसी जो फनी? क्या मतलब नन्नी मुन्नी शरारतें? नन्नी मुन्नी शरारतें, नन्नी मुन्नी शरारतें, ठीक है सर। आपने कभी कोई की है नन्नी मुन्नी शरारतें? वैसे बनता तो नहीं था मेरा आपसे पूछना मगर
भाई चले अब आए हैं बैठे हैं साथ, तो मैं पूछ ही लेता हूँ कभी कोई है ऐसी कोई आपके जहन में? हो जाती है बिल्कुल, बचपन में अक्सर हो जाती थी। बचपन में हो जाती थी, अब नहीं होती? अब नहीं होती जी। ओए होए होए, ये क्यों आपने? बस ये पॉलिटिक्स में जब आई बंद आ जाए ना तो शरारतों से निकल जाती है। शरारतों से निकल गए, सारी नन्नी मुन्नी शरारतें खत्म कर दी जालिम पॉलिटिक्स ने। अनुरोध हमारा एक सेगमेंट है 2020 का, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपको साथ ऑप्शंस दूंगा, आपको उन ऑप्शंस में से ही अपना जवाब चूज करना है। ठीक है, अलबत्ता कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज के ऊपर जा सकते हैं। Okay, ये आप लोगों की कॉल होगी, या आप इधर जवाब देंगे या फिर इधर देंगे। तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? I'll go. दानिया ये बताइए, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगी आपकी नजर उस तस्वीर पर पड़ेगी, किन का चेहरा देखना चाहेंगी उस तस्वीर के अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमजा शहबाज और जनाब बिलावल भुट्टो। I will go with Bilawal Bhutto. Bilawal Bhutto होंगे वो। ये बताइए, एक स्पेस रॉकेट को यूज करते हुए चांद पर जा रही हैं आप, दो सीट्स हैं, एक अपनी है दूसरी भी किसी और को लेके जा सकती हैं, लेकिन जिसको आप साथ लेके जाएंगी उसको आप चांद पर ही छोड़ेंगी, although you will come back. Okay. तो किसको चांद पर छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान अशरफ और उमर राना। इमरान अशरफ, वो कोई जुगाड़ निकाल के वापस आ ही जाएगा। तो इमरान अशरफ साहब होंगे वो जो कि चांद पर रहेंगे। ये बताइए मैडम, टाइटैनिक पर जा रही हैं, दो वीआईपी पास हैं, एक अपना है दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और अदनान सदीकी। हुमायूं सईद होंगे वो, बड़े एक्टर हो गए ना, उन्हें नेटफ्लिक्स ऑफर आ गया, इस वजह से आपने ये फैसला किया है। हुमायूं सईद साहब क्योंकि आपको नेटफ्लिक्स ऑफर आ गई है इसलिए आपको लाइफ जैकेट मिली है, उससे पहले जो आपने 24 साल किया उस पे नहीं बनता था। डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मलिक अनवर साहब और कैसर पिया साहब। उन्होंने मुल्क के लिए बड़े बड़े काम करे, ये तो पहले डूब गया तो। और आपने लाइफ जैकेट का इंतखाब किया है, मलिक साहब आपका इंतखाब हुआ और मलिक साहब खुद भी हैरान रह गए इस बात पे। जी मलिक साहब आपकी बारी है। जी सर, आप भी लिफ्ट के अंदर आए हैं, तीन लोग पहले से मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस हैं परवेज खटक साहब, अली मोहम्मद खान और फजल मोहम्मद खान। तो ये बताएं कि सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी परवेज खटक साहब। परवेज खटक साहब के साथ मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? फजल मोहम्मद खान। और किसका फ्लोर आ गया है? मजबूरन अली मोहम्मद खान का। अली मोहम्मद खान साहब का मजबूरन। वैसे वो भी मुझे पसंद है जी। हाँ ठीक है। ये बताइए सर, आप भी चांद पर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में, किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उसके वापस आने की गारंटी नहीं है, किसको छोड़ना चाहते हैं चांद पर? ऑप्शंस हैं शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी। आपने तो मुझे हैरान कर दिया। शेख रशीद को छोड़ दूंगा। शेख रशीद को छोड़ देंगे। ठीक है। वो भी आ जाएंगे। ये बताएं, टाइटैनिक पर जा रहे हैं आप भी, दो वीआईपी पास हैं, एक अपना है दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दानिया अनवर और शीरी मजारी साहब। इसको ले जाऊंगा। बहुत क्लैरिटी के साथ फैसला था ये इनका। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर ये बताएं, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको भी अपने घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे नजर उस तस्वीर पे पड़ेगी, किन का चेहरा देखना चाहते हैं उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब। ना इससे जनरल क्वेश्चन पे नहीं जा सकते। आप जा सकते हैं बिल्कुल जनरल। ये बताइए सर, आपके लिए आसान सा कर देता हूँ, कोई पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल साहब का नाम बताइए। फैजाज़ मोहम्मद अली। ये देखे ना, आसान कर दिया। सर डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके भी पास हैं, एक अपनी है दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट किसको दे रहे हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महमूद खान और जनाब परवेज खटक। परवेज खटक। परवेज खटक साहब को मिलेगी। महमूद खान साहब सिटिंग चीफ मिनिस्टर रह गए हैं, मगर थैंक यू सो मच जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का। दानिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों।